तो क्या हाल है आप सबका। तो यार चूतियों से मुझे पता चला है, मेरा मतलब सूत्रों से पता चला है, हमारा सार्वजनिक कोटा टिकटॉक यानी म्यूजिकली बहुत ही जल्दी हमें अलविदा कहने वाला है। नहीं ये हो नहीं सकता, मतलब टिकटॉक बैन। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि टिकटॉक और डायरेक्ट से भरा कंटेंट प्रोवाइड करता है, जिसे देख के रामू काका का बेटा भी अपना बिस्तर का कोना गंदा कर सकता है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के बिल्कुल खिलाफ है। तो यार आओ ज्यादा टाइम का चूतिया ना काटते हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्या चाहिए आपको? साली आधी नंगी होके ये पूछती है कि क्या चाहिए आपको। इसकी आंखों को देख के तुझे क्या लग रहा है, इसे क्या चाहिए? अबे हुदाई चाहिए उसे, हुदाई। और जरा शक्ल देखो इसकी। ऐसी शक्ल वालों को लोग आलोकनाथ समझते हैं, लेकिन साले होते हैं टॉप क्लास ठरकी। ऐसे लोग पड़ोस वाली भाभी की कच्चा सूखता हुआ देख के कड़ी धूप में 4 बार मुठिया पेल लेते हैं। और साला गमला लेके देखो मांगता क्या है। साले हिजरे तुझे जो चाहिए वो चाकर भी नहीं दे सकती। खाए पिए किसके? अबे साली कुछ तो शर्म कर, भरी जनता के सामने कतई टांगे खोल के बैठी है। ऐसी लौंडी से शादी करने के बाद सुहाग रात वाले रात को लौंडा ये पूछता है, डार्लिंग तनिक चिल्लाओ ना, फील नहीं आ रहा है हमको। अबे अकल के अंदर कैसे चिल्लाएगा वो, उसकी चूत का भूसड़ा काफी पहले बन चुका है। तू जिस जगह पे खुदाई कर रहा है वो काफी पहले ही खाई बन चुका है। और नहीं तो क्या, तू होटल में खाना खाने के बाद वहीं बैठी रहती है क्या? ओहो बहनचोद बकचोदी गॉन गटर लेवल। काले सुअर की बासी टट्टी जैसी इसकी शक्ल, और डायलॉग्स तो देखो किसके बोल रहा है। इन जैसे लोगों की वजह से आजकल काली कुत्ती भी घर से घूंघट डाल के बाहर निकलती है। तुम भी मेरा दूध पी सकते हो, ठंडा है, ताजा है, मलाई से भरा हुआ है। ये कोई रंडी खा रहा है। 80 रुपए में एक बार जब तक पानी नहीं निकलता, एक के साथ 2 फ्री ताकि थाईलैंड वाला फीलिंग देसी में भी मिले। ये 2 लाइनें इनकी शक्ल चीख चीख के बोल रही है। तुम अगर सोच रहे हो रात 11 बजे के बाद जो लौंडिया लिफ्ट मांगती है ये वही तो नहीं, तो तुम यार बिल्कुल सही हो। ये वही लौंडिया है जो कार में घुसते ही अपना पेटीकोट उठा के लेट जाती है। बचपन में माँ गुजर गई और उनका भार मेरे सिरे पे आ गया। आप नहीं देख सकते साहब जी, मुझ अकेले के सीने पे कितना बोझ है। तेरा चेहरा कोई देखे या ना देखे, लेकिन तेरा ये बोझ तो कोई अंधा भी फुल एचडी में देख लेगा। लेकिन यार तुम इस बोझ को गलती से भी हल्के में मत ले लेना, इसके पीछे लौंडों ने बहुत मेहनत की है। ये बोझ देखने के बाद कतई मियां खलीफा भी अपने आप को फांसी लगा लेगी। अच्छा क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। तो यार आज के लिए बस। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.